दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोल्डर्स में दो फोटोज है। सबसे पहले फोटोज तो वो है कि जो आदमी का हम बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं और फुल साइज का फोटो बनाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देख सकते हो बैकग्राउंड, इसी बैकग्राउंड में हम फुल साइज फोटो को बनाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने किसी भी आदमी का फोटो है तो उस सब्जेक्ट को अपने फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट क्या करना है, इसका बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का सबसे मैं सिंपल तरीका बता दूं, आपको विंडो में सबसे पहले जाना है और लेयर पैनल को ओपन करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और अभी आपको क्या करना है, इसका एक कॉपी बना लेना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पर एक कॉपी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेट तैयार कर लेना है और यहाँ पर इसको इसके अंदर कर देना है। और अभी हम इसका बैकग्राउंड को यहाँ से हम अभी चेंज करने वाले हैं। यहाँ से एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं अभी व्हाइट कलर का एक सॉलिड कलर ले लिया हूँ। चलिए अब मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हो कि आपको टूल्स बार में राइट क्लिक करेंगे, पॉलीगनल लेजो टूल है उसी को आप सेलेक्ट करें मेरे अनुसार। और यहाँ पर आपको फिदर जो है यहाँ पर 1% कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ से इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है और इस प्रकार से सेलेक्ट करके छोटा छोटा क्लिक आपको करते जाना है और अपने सब्जेक्ट का यहाँ से बैकग्राउंड को आप रिमूव करेंगे। उसके बाद इंटर दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको फटाफट से अपना बैकग्राउंड को डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया हूँ। और यहाँ पर आप लेयर पैनल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कई सारे लेयर बनाए हैं, तो आप यहाँ पे इसका जो ये कलर्स वाला है इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे आपका ये PNG बन जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसको हम फुल साइज फोटो में जैसे बैकग्राउंड लगाते हैं वो कैसे लगा सकते हैं। अब आपको सबसे पहले साइज डिसाइड करना है कि कौन सी साइज में आप ये फुल साइज फोटो को बनाना चाहते हैं। मैं अगर अभी 4x6 साइज में फोटो बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं 4x6 का एक साइज लूंगा। तो यहाँ पे फाइल में चले जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बने बनाए 4x6 का साइज आपको दिखाई देने लगेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेजुलेशन 300 है तो आपको ये 300 सेलेक्ट रहने देना है, अगर नहीं होगा तो 300 आप कर लेना। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 4x6 का एक साइज मैं यहाँ से ले चुका हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये बैकग्राउंड वाले बैकग्राउंड को अभी अपने फोटोशॉप के अंदर खोल लेना है और क्या करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसको यहाँ से कट कर देना है। और यहाँ पे इस 4x6 का जो न्यू साइज लिया है इस पर आपको कंट्रोल बी करना है तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल टी करना है और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट को पकड़ के इस प्रकार से बड़ा कर लेना। अब शिफ्ट को पकड़ के बड़ा करने का मतलब ये होता है कि इसका साइज जो है वही रहेगा, सिर्फ आपका ये साइज जो है जरा सा भी भागेगा नहीं और ये ऑटोमेटिक आपका जो है कि उसी साइज में रहेगा और ये आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने बैकग्राउंड को बड़ा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड हमने यहाँ पे हम लगा चुका हूँ और अब यहाँ पे ये जो फोटो है इस फोटो को यहाँ से अपने मूव टूल्स की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हो टूल्स बार में यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले फोटो को यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मुझे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने अपना फोटो को ला चुका हूँ। ठीक है, अब इस पर कंट्रोल टी करेंगे, फोटो सेलेक्ट हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपको बड़ा कर देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बड़ा कर देना है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फोटो को बड़ा कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉप शेडो थोड़ा सा देना चाहते हैं तो आपको लेयर में चले जाना है और लेयर स्टाइल और यहाँ पे ड्रॉप शेडो। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप शेडो देने से क्या होगा कि यहाँ पर जो ये फोटो देख रहे हो इसका साइड में थोड़ा सा एजेस क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको ड्रॉप शेडो हटाता हूँ, देखिए यहाँ पे साइड में आप देख रहे हो और अभी मैं ड्रॉप शेडो देता हूँ तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा लगता है कि रियलिस्टिक तरीका से यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब हम थोड़ा सा इसको साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया और ओके कर दिया, बस अब यहाँ पे हमारा ये फोटो लग चुका है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी करके इसको और बड़ा हम कर सकते हैं।
उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि फेस थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसका फेस क्वालिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल से चले जाएंगे इमेज में, और इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट, और यहाँ पे सिलेक्टिव कलर, और यहाँ से रेड कलर को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का इनका यहाँ पे सूट में कलर लगा हुआ है। यहाँ पे येल्लो लेना है और इस प्रकार से आगे की ओर पीछे की ओर बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका येल्लोनेस टोन इसका कम हो चुका है और व्हाइटनेस इसका बढ़ चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आप नेचुरल्स में जाएंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और या घटा सकते हैं। हमने इतना कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि फोटो की क्वालिटी ज़बरदस्त हो चुकी है। अगर हम इसका थोड़ा सा लेवल्स बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से लेवल्स में चले जाएंगे और इस प्रकार से इसका लेवल को कम ज़्यादा करके फोटो को बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फोटो फुल साइज में बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो कंट्रोल टी करके इसको इधर से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप कुछ इस टाइप से भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़े ही आसानी से हमने अपना फुल साइज का फोटो बना करके तैयार कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है टेक्निक, और फुल साइज में आप 4:6 या किसी भी अदर साइज में बनाना चाहते हो तो ये बिल्कुल आसानी से बन सकता है। अगर इसको आप सेव करना चाहते हो तो सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको JPG सेलेक्ट कर सकते हो आप, और यहाँ से आप यहाँ पर लिख सकते हो 4:6 फोटो, ठीक है हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से सेव ऑप्शन में जाएंगे और क्वालिटी यहाँ पे ओके यहाँ पे आपको कर देना है, और यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीका से आपका फुल साइज का फोटो बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।